टेस्ट सीरीज में शमी के रिप्लेसमेंट से भी खौफ में आई दक्षिण अफ्रीकी टीम। मैच से कुछ घंटे पहले अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बाउवा ने दिया हैरान कर देने वाला बयान। मैच से पहले अफ्रीकी कप्तान ने टीम इंडिया पर बोल दिया ऐसा, रोहित भी देखते रहे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है। इस सीरीज में रोहित शर्मा टीम इंडिया की कप्तानी करते दिखेंगे। वहीं विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन जैसे स्टार खिलाड़ी भी इस टेस्ट सीरीज में एक्शन में दिखेंगे। हालांकि चोट के चलते तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी टेस्ट सीरीज में नहीं खेलेंगे। इस बीच दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाउवा ने शमी के रिप्लेसमेंट को लेकर हैरान कर देने वाला बयान दिया। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाउवा भारत के टैलेंट पूल का काफी सम्मान करते हैं। उनका मानना है कि चोटिल मोहम्मद शमी की जगह आने वाला तेज गेंदबाज भी टेस्ट मैचों में उनकी टीम के बल्लेबाजों को दबाव में ला सकता है। आपको बता दें कि शमी तकनीकी चोट के कारण दो टेस्ट मैचों की सीरीज से बाहर हो चुके हैं। आज से शुरू होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट में प्रसिद्ध कृष्णा या मुकेश कुमार के शमी के स्थान पर प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। बाउवा ने मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा, बतौर क्रिकेटर आप सर्वश्रेष्ठ के खिलाफ खेलना चाहते हैं और मोहम्मद शमी समय सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं। हम सभी उनके खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बेताब थे, लेकिन भारत के पास इतनी गहराई है कि जो भी उनकी जगह आएगा वो आपको दबाव मिला देगा। आपको बता दें भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर से 23 दिसंबर तक सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार पहला टेस्ट मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच 3 जनवरी से 7 जनवरी के बीच केप टाउन के न्यूलैंड्स में खेला जाएगा। ये टेस्ट मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया 26 दिसंबर से दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। भारतीय टीम ने अभी तक साउथ अफ्रीका की धरती पर एक भी टेस्ट सीरीज नहीं जीती। साउथ अफ्रीका में भारतीय टीम की कई बार सीरीज जीतने के मुहाने पर पहुंची है, लेकिन हर बार चूक गई। 2021-22 में भारत के पास 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त थी, लेकिन वो उसे भी गंवा बैठे और सीरीज 2-1 से हार गई। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज कुछ ही घंटों में होना है। साउथ अफ्रीका को उसी के घर में लंबे प्रारूप में टक्कर देने वाले रोहित शर्मा 8वें कप्तान होंगे। भारत ने इस टीम के 60 टेस्ट क्रिकेट के 31 साल के इतिहास में 8 बार दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया, जिसमें 7 अलग अलग कप्तान आए, लेकिन अफ्रीकी जमीन पर सीरीज जीतने में नाकाम रही। टीम इंडिया के मौजूदा दौर से पहले अगर एक नजर इतिहास के पन्नों पर डालें तो साउथ अफ्रीका की धरती पर टीम इंडिया की 9वीं टेस्ट सीरीज है और आज भी टीम इंडिया को सीरीज जीतने का इंतजार है। भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका में अब तक खेली गई 8 टेस्ट सीरीज में 7 सीरीज गंवा दी, जबकि एक सीरीज को उसने बराबरी पर खत्म किया। तो आप भी दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बाउवा के इस बयान पर अपनी राय दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।